हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे सिंपल लाइफस्टाइल टिप्स चैनल में। तो आज मैं बिको टर्मरिक क्रीम के बारे में आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। ये क्रीम बहुत ही लोग यूज़ करते हैं इंडिया में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली ये क्रीम है। तो ये सेकंड नंबर पे क्रीम है, मतलब सब क्रीम्स में ये सेकेंड नंबर पे क्रीम को काउंटिंग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये क्रीम कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए है। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ड्राई है तो भी यूज़ ना करें, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा ड्राइनेस आ जाता है इस क्रीम से, तो आप लोग इसको यूज़ ना करें। तो आप देख सकते हैं इसको यूज़ करने से हमारा फेस कितना मतलब ग्लोइंग हो जाता है। तो इसको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद से मैं आप लोगों को बताऊंगी इसको यूज़ कैसे करना होता है और इसके कितने फ़ायदे हैं और कितने फ़ायदे नहीं हैं, तो मैं सब आप लोग को बताऊंगी। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स है वाटर, टर्मरिक, शॉर्ट बिटॉल, सैंडलवुड ऑयल, मेथाइल, पैराबिन सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पैराबिन सोडियम। तो दोस्तों, इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है टर्मरिक, और दूसरा है इसमें सैंडलवुड ऑयल। तो सैंडलवुड ऑयल हमारे फेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है फ्रेंड, ये तो आप जानते ही होंगे। मुझे मालूम था कि सैंडलवुड जो पाउडर आता है वो फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सोचा कि क्रीम में अगर ये ऑयल है तो ये बहुत ही अच्छा हो सकता है हमारे फेस के लिए। इसके लिए मैंने इसको सर्च किया तो ये कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये तेल सैंडलवुड ऑयल हमारे फेस के लिए बना है। तो इसमें मेंशन किया हुआ है इस क्रीम में कि आप इसको वन डे में, मतलब एक दिन में 3 से 4 बार अपने फेस पे यूज़ करें और आपके पिंपल्स, रेडनेस जो भी फेस पे होंगे सब गायब हो जाएंगे और एकदम फेयर चेहरा हो जाएगा। लेकिन मैं इसको बचपन से यूज़ करते आ रही हूँ, मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला इस क्रीम से। मेरे घर में सभी लोग इस क्रीम को यूज़ करते थे। मैंने, ये देख सकते हैं आप, इसका एक्सपायर डेट भी ख़त्म हो गया है। तो मैंने इसको 1 साल पहले परचेज़ किया था और जब मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चला तो तब से मैं ये क्रीम को रख दी हूँ, नहीं यूज़ करती हूँ। और मैंने सोचा कि चलो, जैसे मुझे कुछ मालूम नहीं था, वैसे बहुत लोग होंगे जो मालूम नहीं होगा और ये आँख बंद करके यूज़ करते होंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आपके लिए ये आपके चेहरे के लिए कितना मतलब ख़राब हो सकता है आपका चेहरा ये यूज़ करने से। अगर आप लोग को यूज़ करना अच्छा लगता है, आप लोग को ये पसंद है, तो बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं, मगर जिनको प्रॉब्लम होता है इससे वो छोड़ दें, मत यूज़ करें इसको। मेरे घर में सब लोग इसको यूज़ करते हैं और अच्छा होता है उन लोग के लिए, मगर जब से मुझे मालूम पड़ा मैं इसको यूज़ करना बंद कर दी हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जितने भी इसमें मेंशन किया हुआ है कि लगाने से मतलब अच्छा हो जाएगा चेहरा, एकदम फेयर हो जाएगा, वैसा तो कुछ होता नहीं है, बट एलो कास्ट फेस पे लेके आता है। और इसको आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में अपने फेस पे अप्लाई करना होता है। अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी और क्रीम मिला करके यूज़ कर सकते हैं। और जो सैंडलवुड ऑयल है वो एक एसेंशियल ऑयल है, मगर हमारे फेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है।
इससे अच्छा तो मैं टर्मरिक डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई करूँ, वो अच्छा रहेगा हमारे फेस के लिए। तो कॉम्बिनेशन स्किन वाले इसको बेफिक्र होकर यूज़ करें, और अगर ड्राई स्किन वाले भी चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। बस मॉइस्चराइज़र की तरह इसको यूज़ करना है आप लोगों को। आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचें कि इससे मतलब फेयर हो जाएगा चेहरा और बहुत ही अच्छा होगा चेहरा, तो वो सोच कर अगर आप लोग इसको यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करना छोड़ दें। तो आप लोग को मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक्स शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।